बिहार सरकार की तरफ से एक नई वैकेंसी आई है जो आपको आंगनवाड़ी से रिलेटेड है, ICTS जिसको कहा जाता है इंग्लिश फॉर्म में। आप ICTS सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर आपको वेबसाइट ओपन हो जाएगा, गूगल में सर्च कीजिएगा। तो आंगनवाड़ी की तरफ से जो वैकेंसी आई है इसके मैं आपको पूरा जानकारी देने वाला हूँ, इसका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इसमें पेमेंट कितना मिलेगा, कौन कौन सा पोस्ट पर इसमें बहाली है, इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, इसका अंतिम तिथि कब तक है, और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई हो रहा है, और आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। आप जो भी डिस्ट्रिक्ट से होंगे आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं इस डिस्ट्रिक्ट से हूँ, इस डिस्ट्रिक्ट का मुझे नोटिफिकेशन चाहिए। फिलहाल अभी जो आपको पता ही होगा कि आंगनवाड़ी से रिलेटेड जो भी वैकेंसी होता है सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट होता है, और डिस्ट्रिक्ट में आपको प्रखंड बाई प्रखंड, साथ में पंचायत बाई पंचायत इस तरह से होता है। आपको पता ही होगा कि आंगनवाड़ी से रिलेटेड इस तरह से वैकेंसी आती है। तो फिलहाल इस वीडियो में आप सभी को मैं दिखाने वाला हूँ कि आपको कौन सा जिला के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई है और कौन कौन सा जिला अभी वेटिंग में है। तो यहाँ पर मैंने नोटिफिकेशन निकाला है, ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के लिए है। जो आपको जो ही डिस्ट्रिक्ट होंगे उसका कमेंट जरूर कीजिए, मैं इसका भी और भी जानकारी दूंगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट के लिए कब आने वाला बहाली है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर लिखा है अपॉइंटमेंट ऑफ वीमेन और योजना अंतर्गत रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन, यानी संविदा के आधार पर बहाली होगा, जिसमें आपको समरणालय यहाँ पर लिखा है, और लिखा है प्रबंधक निर्देशालय महिला एवं बाल विकास निगम बिहार पटना के पत्रांक संख्या इतना 27/9/2023 से आलोक यहाँ पर लिखा गया है, जो संविदा आधार पर रिक्त पदों के सुयोग अभ्यर्थियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जो यहाँ पर पद की नाम किया दिया जाता है, यहाँ पर वित्तीय साक्षरता है, विशेषज्ञ लेखा सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और MTS का है, जो यहाँ पर आपको एक एक पद यहाँ पर बहाली है, यानी कि चार यहाँ पर पोस्ट है। आयु की बात किया जाए तो यहाँ पर कोटी वाइज एज आपको कैटेगरी वाइज होगा। योग्यता की बात किया जाए तो क्या क्या शैक्षिक योग्यता, अर्थशास्त्र से या वाणिज्य से स्नातकोत्तर हो, यानी कि BSc हो, या बी यानी ग्रेजुएशन हो अर्थशास्त्र क्षेत्र से, यानी BA से अर्थशास्त्र होना चाहिए। वित्तीय साक्षरता के लिए यहाँ पर होना चाहिए विशेष सरकारी गैर सरकारी संगठन के साथ कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो। यहाँ पर अब दूसरा की बात कहते हैं लेखा सहायक के लिए शैक्षिक योग्यता वाणिज्य से हो, यानी BCom हो, जिसमें आपको अनुभव यहाँ पर 3 वर्ष का चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बात किया जाए तो कंप्यूटर ICT स्नातक अनुभव हो, यानी कंप्यूटर के बारे में कोई जानकारी नहीं चाहिए। डाटा प्रबंधक कृपया दस्तावेजीकरण वेब आधारित रिपोर्टिंग प्रारूप आदि में सरकारी नौकरी गैर सरकारी IT आधारित संगठन में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। पेमेंट की बात की तो फर्स्ट वाला के 21,000, 16,000 और डाटा एंट्री ऑपरेटर के 13,500 है। और यहाँ पर MTS की बात की तो 12,000 पेमेंट, जैसे किसी भी मान्य प्राप्त बोर्ड से 10+2 प्रणाली तहत 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, यानी 10वीं प्लस होना चाहिए, आपको पास होना चाहिए। अब उसके लिए बात की तो अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना चाहिए। प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रभावी होगा, जिसमें आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं आवेदकों को मिलेगा जिनके पास बिहार का अधिवास हो। उम्र सीमा की बात की जाए तो संविदा का नियोजन उम्र सीमा विज्ञापन प्रकाश की तिथि यहाँ पर निम्न होगी, जो यहाँ पर 37 वर्ष है पुरुष के लिए, अनारक्षित के लिए जनरल के, और जो BC1 में आते आते हैं EBC के लिए 40 वर्ष, और जो महिला के लिए यहाँ पर दिखाया गया है अनुसूचित जाति के लिए SC ST के लिए 42 साल दिखाया गया है। अनुभव की बात किया तो यहाँ पर आप रीड कर लीजिए पूरा। अब कर्मियों को मूल्य मानदेय अतिरिक्त EPF तथा ESI देनी होती होगी, यानी आपको मिलेगा। यहाँ पर लिखे संविदा के आधार पर नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, जो बिना किसी पूर्व सूचना के या 15 दिनों के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है, यानी 15 दिन, अब नोटिस निकलने से 15 दिन तक आपको यहाँ पर आपको इसमें भर्ती ली जाएगी। दावा मान्य नहीं होगी, इसका प्रतियोगिता व्यक्ति का नियोजन पश्चात में सेवा में नियमितकरण से कोई दावा नहीं मान्य होगा। यहाँ पर व्यक्ति न तो सरकारी सेवा को माने जाएंगे, न ही सरकारी सेवा के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार होंगे, यहाँ पर लिखा गया है साफ साफ। यहाँ पर आप रीड कर लीजिएगा, यहाँ पर पूरा रीड कर लीजिएगा, आपको क्या क्या डिटेल से दिया गया है। अब रही बात यहाँ पर जो वैकेंसी का डेट है इसका अंतिम तिथि कब तक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 6/1/2024 में ये प्रकाशन हुआ है, 6/1/2024 को, उसके हिसाब से 15 दिन यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ, 15 दिन तक तिथि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 15 दिन तक इसका आवेदन आमंत्रित लिए जाएंगे, यानी कि 6 तारीख और 15 दिन जोड़ लिए, यानी 21 तारीख तक। आज यहाँ 17 तारीख है, तो आज 17 तारीख, तो अभी अभी 4 दिन टाइम बाकी है आपको, अभी आवेदन आप दे सकते हैं। आवेदन के लिए आपको ये फॉर्म आपको डाउनलोड करना होगा, ये आपको सारा डिटेल दिया गया है। पेमेंट के लिए क्या क्या, इसका सहायक एंट्री के लिए, अनारक्षित के लिए, एज की बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, आपको 5 बजे तक यहाँ पर आवेदन लिया जाएगा। इस वाली वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको इस पर मेल कर दिया सबसे बेस्ट है, मेल करना आपको है, ओके मेल कर दीजिएगा। यहाँ पर आप आवेदन के, यहाँ पर ये वाला आवेदन है, इसी को प्रिंट करना है, भर लेना है फॉर्म को, ओके। यहाँ पर आवेदक का नाम लिखना है, अभ्यर्थी का नाम, ठीक है, आवेदक पद का नाम, यानी पद जो भी पद के लिए आवेदन दे रहे हैं उसका पद का नाम, विज्ञापन संख्या में आप डाल लीजिएगा, फर्स्ट में जो विज्ञापन संख्या दिया था ना, यहाँ पर विज्ञापन संख्या जो लिखा गया था, ये वाला,
ये विज्ञापन संख्या 1/2023 है, या ई वाला पत्रांक संख्या भी दे सकते हैं। सबसे बेस्ट है 01/2023 डालिएगा। ओके, नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं। यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम, कैंडिडेट का नाम यहाँ लिखिएगा इस वाले में। इसके बाद यहाँ पर जन्म तिथि, माता का नाम, पिता का नाम, आधार नंबर, यहाँ पर एड्रेस डाल लीजिएगा, पत्राचार पता एड्रेस डालिएगा फिर से दोबारा। ओके, यहाँ पर कैटेगरी चूज कर लिए, जो भी कैटेगरी आप होंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालिएगा। शैक्षिक योग्यता में मैट्रिक, इंटर, स्नातक, तो जो भी होंगे अपना भर लीजिए। जैसे विषय का नाम ऑल सब्जेक्ट लिख सकते हैं मैट्रिक होंगे तो, और जो इंटर में होंगे तो आईएससी लिख सकते हैं, जो भी आप लिख दीजिएगा। उत्तीर्ण का वर्ष लिखिए, कितना अंक आया है, कितना प्रतिशत आया है, बोर्ड का नाम लिख दीजिए, विद्यालय का नाम। ओके, इसके बाद कार्य का अनुभव अगर होगा तो इसमें डालिएगा। संलग्न में किए गए कागज को जो जो दे रहे, जैसे जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र जो भी दे रहे हैं, इसका यहाँ पर आपको लगाना हो, मैट्रिक सर्टिफिकेट जो भी। इसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर, यहाँ पर दिनांक लिखे, यहाँ सिग्नेचर कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपको वैकेंसी इसमें बाहर ही ली जा रही है, इसको मेल कर देना है। जो मेल करना है इस वाले भर के, स्कैन करके आपको मेल कर देना है इस वाले पर। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब रही बात यहाँ पर कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर वेटिंग में है, किस किस डिस्ट्रिक्ट के लिए बहाली यहाँ पर ली जा रही है, तो चलिए आपको दिखा देता हूँ। तो डिस्ट्रिक्ट के नाम यहाँ दिए, जैसे अररिया डिस्ट्रिक्ट हो गया, अरवल, औरंगाबाद, ये सब डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पर आपको निकाला गया है। जैसे अभी बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर लिया है तो क्लिक हेयर लिखा गया है। अगर मान लीजिए जो भी डिस्ट्रिक्ट आ गया यहाँ पर नोटिफिकेशन में, आपको क्लिक हेयर लिख जाएगा। ओके, तो इस वाले डिस्ट्रिक्ट, अभी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं ये सब अभी यहाँ पर वेटिंग में है, जो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। इतना सारा डिस्ट्रिक्ट है, सभी डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर नाम अभी वेटिंग में है। ओके, तो इस तरह से चेक कर सकते हैं। अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए तो ये वाला ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वाले वेबसाइट पर आके अभी सभी डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से चेक कर सकते हैं। जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप होंगे उस डिस्ट्रिक्ट का से यहाँ से ओपन कीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं औरंगाबाद से हूँ तो यहाँ पर औरंगाबाद वाला ओपन करूँगा, यहाँ से इस पर क्लिक करूंगा। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो नोटिस लिखा होगा ना, नोटिस वाले में आएंगे, यहाँ पर रिक्वायरमेंट आएंगे, और यहाँ पर जो भी इसका नोटिफिकेशन होगा यहाँ पर आपको मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते, नोटिफिकेशन को यहीं से रीड कर सकते हैं सारा डिटेल। तो यही था अपडेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सभी फ्रेंड को शेयर जरूर कर दीजिएगा।